अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमने स्टार्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। आज जो चीज़ हमने सीखनी है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हमने सिल्वर की करनी है, चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं किसी मेटल की सर्फेस के ऊपर। अब वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी किस तरह, सही बातें सारी की सारी वही हैं जो पहले हम कर चुके हैं। सही, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एक जनरल हमने मैकेनिज्म पढ़ा था जी, हमने स्टील का टैंक लेना है, स्टील का टैंक नहीं सॉरी वुड ग्लास या सीमेंट का टैंक लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड एनोड वगैरह रखे होते हैं। सही, वो हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी का कुछ हिस्सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक स्पेसिफिक मेटल हमने कह दीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, हम एक मेटल की सर्फेस के ऊपर, मैं कहता हूँ जी मेरे पास आयरन है, मैं इस आयरन की सर्फेस के ऊपर, आयरन की रॉड है, इस आयरन की रॉड के ऊपर ना मैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ। सही है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के फ़ायदा क्या होगा हमें, ये सिल्वर की तार चढ़ाना चाहता हूँ बारीक सी। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे लोहे को जंग नहीं लगता, और याद रखिए कि ये प्रोसीजर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कर रहे होते हैं। यह कहाँ पर हो रहा होता है, ये जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना जो चांदी की तरह की होती है सफेद वाइट, वहाँ भी ये वाला प्रोसीजर हम कर रहे होते हैं। सही, वो ज्वेलरी थोड़ी सी महंगी आती है क्योंकि उसके ऊपर चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है। सही है, बस इतनी सी बात आप याद रखिए। बाकी हम इसका तरीकाकार देख लेते हैं, तरीकाकार में करना क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक टैंक लेना है, टैंक आपका बना होना चाहिए किन चीज़ों से, ग्लास सीमेंट या फिर वुड के साथ। सही, इन तीन चीज़ों के साथ मिलकर बनाना चाहिए। और ये तीन चीज़ें ही क्यों, ये अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इन तीनों में से करंट नहीं गुजर सकता। ये जो तीनों चीज़ें हमने ली हुई हैं इन तीनों में से करंट नहीं गुजर सकता। आपने ऐसी चीज़ लेनी जिसके अंदर करंट ना गुजर सके। आपने उसका टैंक बना लेना, टैंक बनाने के बाद उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाने। अच्छा, इलेक्ट्रोड होते हैं मेटल की पत्रियाँ, कोई भी धात लें, धात की पत्री को लेकर यहाँ पे लगा दें वो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफिक लेने हैं, यहाँ पे आपने बैटरी के साथ एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। कभी घरों में बैटरी देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा बैटरी के ऊपर एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, एक साइड पर नेगेटिव लिखा होता है, जो प्लस लिखा होता है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जहाँ माइनस लिखा होता है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। सही, वहाँ से आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी चीज़, उसको हम एनोड का नाम देते हैं। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होगी उसको हम कैथोड का नाम देंगे। इसको हम कैथोड का, अब मेन बात आ जाती है जी एनोड किस चीज़ का बनाना है और कैथोड किस चीज़ का बनाना है। एनोड आपने उस मेटल का बनाना है जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहिए। यानी कि मैं कहता हूँ जी मैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर जिसकी करना चाहे आपने उसका एनोड बना लिया, मतलब एनोड यहाँ पर जो बनेगा वो सिल्वर का होगा, चांदी का एनोड होगा। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद कैथोड किस चीज़ का बनाना है, कैथोड आप उस मेटल का बनाएंगे जिसके ऊपर आप सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, सिल्वर की एक बारीक सी तार चढ़ाना चाहते हैं। आपने कैथोड उस मेटल का बनाना है, सही है, उस मेटल का कैथोड बनाना है। अमूमन हम, मैं कहता हूँ जी स्पून के ऊपर, इसके ऊपर स्पून के ऊपर, स्पून कहते हैं जी चम्मच को, स्पून के ऊपर आयरन जो अमूमन आयरन का बना होता है। सही, स्पून के ऊपर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ किस चीज़ की, सिल्वर की। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सारी सारी चीज़ सीखते जाइएगा। आपने ये वाली चीज़ लेनी, आपने कहा जी एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट होता है कोई भी साल्ट लें, जैसे सोडियम क्लोराइड को लेकर मैं पानी के अंदर हल कर देता हूँ, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो आम घर में खाने वाला नमक है इसको लें, पानी के अंदर हल कर लें, हल करने के बाद इसको भी हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। कोई इलेक्ट्रोलाइट आसमान से चीज़ नहीं आई। सही, आपने करना क्या है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट एक इस्तेमाल करना है। स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट क्या करना है जी, जो आपने मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उसी का एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, उसी का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना। मतलब सिल्वर है ना, सिल्वर का कोई भी साल्ट ले लें। अब देखें मुख्तलिफ साल्ट होते हैं सिल्वर के, सिल्वर क्लोराइड भी होता है, सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट, सही है, सिल्वर नाइट्रेट। अब आपकी बुक में जिसका जिक्र कर रहा है सिल्वर फॉस्फेट भी हो सकता है, आपकी बुक के अंदर जिसका जिक्र हुआ जा रहा है वो है सिल्वर नाइट्रेट का। कहता आपने सिल्वर नाइट्रेट लेना है, सिल्वर नाइट्रेट का याद रखिएगा, यहाँ मैंने सिल्वर नाइट्रेट का साल्ट लिया। सिल्वर नाइट्रेट के साल्ट के बारे में एक बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह हमारा आम खाने का नमक नहीं है वाइट कलर का, सिल्वर नाइट्रेट का साल्ट भी इसी तरह का होता है। आपने उसको
पानी के अंदर हल करना है, हल करने के बाद उसको सॉल्यूशन बना लेना है। और याद रखिएगा सिलिकॉन हाइड्राइड का फॉर्मूला AgNO3 होता है, AgNO3, ये इसका फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसके डालने के बाद आप खुद सोचिए कि जब मैं किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाता हूँ, मैं जब NaCl का सॉल्यूशन बनाता हूँ तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें बनती हैं Na+ Cl-। अब जब मैं इसको इसके अंदर सॉल्यूशन में चेंज करूँगा तो यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी, Ag+ बन रहा होता है और साथ में NO3-1। ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, असल में काम क्या हो रहा है, दो चीज़ें बन रही हैं, एक प्लस वाली एक नेगेटिव वाली। मैं जो प्लस वाली है ना इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लैक से, सही है, और जो नेगेटिव वाली है इसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको किससे कर देता हूँ ब्लू से, बस इतनी बात याद रखिएगा। अब मैंने इसके अंदर कुछ ब्लैक, क्योंकि ये जब इसके अंदर हल होगा इस तरह डिजोल्व इस फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ ब्लैक कुछ ब्लू आपको नज़र आ रहे होंगे, नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे सॉल्यूशन के अंदर। ये देखें, आपने खुद मुझे सोच के बताना है कि यहाँ पे क्या काम होगा। ये मैंने ब्लैक ब्लू यहाँ पे सारे के सारे बना दिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि सिल्वर नाइट्राइड जब डिजोल्व होता है तो उसमें कुछ ब्लैक बन जाते हैं कुछ ब्लू बन जाते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होना था, आपने करंट गुजारना है, करंट गुजारने के बाद बाकी काम क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से इसकी तरफ पॉजिटिव वाली चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव किसके ऊपर चार्ज है जिसके ऊपर ब्लैक है, तो ये वाली चीज़ इसकी तरफ मूव होगी और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगी, यहाँ पे जाके जुड़नी शुरू हो जाएगी इस स्पून की सरफेस के ऊपर, और ऐसा ऐसा जुड़ के ना इसके सतह के ऊपर बिल्कुल एक बारीक सी लेयर बना देगी, एक बिल्कुल बारीक सी लेयर बना देगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोब्लेटिंग होगी, अब जंग नहीं लग सकता। इसके बाद आपने इसको बाहर निकालना है, वॉश करना है, साफ सुथरा आपके पास चम्मच आ जाएगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोब्लेटिंग हुई हुई है। अब आपने करना क्या है जी, मेन चीज़ होती है समझना, बाद में कुछ थोड़ी सी ट्राई कर लेते हैं लिखने की, सही, ताकि हमें चीज़ें पता भी चल जाएंगी कि लिखनी किस तरह है। तो जो बातें मैंने अभी तक की हैं इन्हीं बातों को मैं अब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सही है। तीन चीज़ें तो हर एक में बतानी है ना, एनोड किस चीज़ का बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, कैथोड किस चीज़ का बनाना है, एनोड पे रिएक्शन क्या हुआ है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हुआ है, और आपका काम खत्म हो जाएगा, सही है। आज सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम सबसे पहले वर्किंग देख लेते हैं। इन द सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या काम हो रहा होता है, सबसे पहले काम यहां पे आपने एनोड सिल्वर का लेना है, ठीक है। एनोड इज मेड अप ऑफ सिल्वर, एनोड सिल्वर का बनाना चाहिए, कैथोड किस चीज का बना होना चाहिए, कैथोड इज मेड अप ऑफ डैट मेटल, कैथोड उस मेटल का बना होना चाहिए जिसके ऊपर हम तार चढ़ाना चाहते हैं, ऑन विच वी वांट टू डेपोजिट लेयर, जिसके ऊपर हम एक तार चढ़ाना चाहते हैं उसका आपने कैथोड बनाना है, सही है। अब ये हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख देते हैं, अमूमन हम क्या काम कर रहे थे, आयरन के ऊपर चढ़ा रहे थे Fe, या पूरे का पूरा वर्ड लिखना है तो आयरन लिख दें, नहीं तो सैंबल से ही काम चल जाएगा, Fe आपने यहाँ पे लिया, यानी यहाँ पे हमने किस चीज़ का बनाया, स्पून आयरन का, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोब्लेटिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट काम आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ डिजॉल्विंग, इलेक्ट्रोलाइट आपने बनाना है डिजॉल्व करने से, डिजॉल्विंग किस चीज को डिजॉल्व करना है, सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर, पानी के अंदर सिल्वर नाइट्रेट हल करना है, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, अगर डिजॉल्विंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन वाटर, सिंपल कहें जी सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट।
अब लास्ट में दो चीज़ें रह जाती हैं, वो होता है जी रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, सही है। यहाँ बात याद रखिएगा, रिएक्शन एट एनोड ये लाजमी लिखना होता है, ये दो नंबर के लिए उमूमन आ रहा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम ही आता है। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, अगर मैं एनोड की बात करता हूँ ना, एनोड पे उमूमन ऑक्सीडेशन होती है, सही है। एट एनोड ऑक्सीडेशन अक्कर, एट एनोड ऑक्सीडेशन अक्कर। अब ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन अक्कर, ऑक्सीडेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन के हवाले से, देखिएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप देखें एनोड बना किस चीज का है, सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर क्या है हमारे पास, एजी, एजी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करेगा, सही, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करेगा। जब रिमूवल करेगा तो यहां पे हमारे पास एजी प्लस बन जाएगा और साथ में हमारे पास कौन सी चीज बन जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन, सही है, ये वाली बात है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल आता है, अब ये जो एजी प्लस बनता है ना, ये डिजोल्व होकर ना यहां से इस सोल्यूशन के अंदर आ रहा है। हम देखें ना यहाँ पे किसे ए जी प्लस को किससे रिप्रेजेंट किया, ब्लैक डॉट से। यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लैक डॉट की कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा बढ़नी शुरू हो जाएगी, ब्लैक डॉट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद देखें इस इलेक्ट्रोड पे कौन से चार्ज है, नेगेटिव, यानी कि चम्मच को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अब इनमें से दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ब्लू वालों को अट्रैक्ट करें या फिर ब्लैक वालों को। ब्लैक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ब्लू के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ब्लैक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ मूव करके जाएगा उसकी सतह के साथ चिमट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसकी वजह से ये जहां से जाएगा उसकी सतह के ऊपर चिमट जाएगा। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। और ये दो बातें याद रखिएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, हमेशा, सही हो गया। अब कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड रिडक्शन अक्कर, एट कैथोड रिडक्शन अक्कर, रिडक्शन हो रही होती है। अब रिडक्शन हो किस तरह होगी कि आपके पास जो सिल्वर होता है ये एक इलेक्ट्रॉन होर ले लेता है, लेने के बाद वहां पे जाकर सिल्वर आए, सही, सिल्वर आयन जो यहाँ से उतरा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद दोबारा फिर सिल्वर के अंदर चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सी एक तह चढ़ जाती है सिल्वर की। और ये कहाँ पे काम हो रहा है, एप्लीकेशन क्या है, लास्ट में एप्लीकेशन मैं लिखने लगा हूँ, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस इसकी ये चंद एक हैं हमारे पास। सबसे पहली बात जो एप्लीकेशन है ये कटलरी, सही है, दिस इज यूज्ड इन कटलरी। ये जो कटलरी क्या होते हैं, कटलरी कौन सी चीज होती है, कटलरी कट से निकला है वर्ड, कटलरी ऐसे आलात होंगे जो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन जो खाने वगैरह के जो कांटे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कटलरी कहते हैं, उसको कटलरी का नाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी के अंदर ये वाली चीज काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। टेबल वेयर होता है कि जो हम अमूमन खाना खाने के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो सामान वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको टेबल वेयर का नाम देते हैं, उसको टेबल वेयर का नाम दे रहे होते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।